अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल करीम, आप देख रहे हैं किस व्लॉग्स। भैया आज है पाक विज का कराची मेला और आपका भाई भी वहाँ जा रहा है और हमें ही नहीं जा रहा है, तो हमें भी एक कोई गाड़ी देखनी है। अगर कोई समझ आ गई तो देख लेंगे, लेकिन वहाँ क्या क्या गाड़ियाँ आई हुई हैं वो आप लोगों को भी दिखा देंगे। अगर तो बहुत अच्छी कोई पुरानी मॉडल्स की गाड़ियाँ हुई के शौकीन होते हैं उसके भी, तो हम भी हैं, देखते हैं अगर वो दिखी तो वो भी दिखाएंगे। पूरा मतलब कोशिश करेंगे आप थोड़ा बहुत कवर कर लें कार मेला को, तो देख लेते हैं क्या सीन्स होते हैं। तो पहले हम लोग बहुत लेट हो गए निकलने में, बहुत टाइम हो गया काफ़ी, तो निकलना तो 2 बजे था, बस भाई साहब की मेहरबानी से, दोस्त हैं हमारे उनकी मेहरबानी से लेट हो गए। अभी 4:30 बज रहे हैं, 8 बजे तक का मेला है, लेकिन आज है संडे और 4 तारीख है और आज आपको पता हो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, तो एक और ब्लॉग कवर करना है। लेकिन चलो खैर, अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को कवर करते हैं और रास्ते के सीन्स आप देखें आगे, तो पहुंचते हैं तो फिर वहाँ के मैं आपको गेम्स बताता हूँ क्या है क्या नहीं, और हमने कौन सी गाड़ी देखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अभी हम कौन सी गाड़ी में है ये तो आपको, इसका रिव्यू तो यार बहुत जल्दी लाऊँगा मैं, देखना है इसका पूरा रिव्यू मैं आपके लिए अकेले बनाऊँगा। तो चले पहुँचते हैं वहाँ पर और जो है ना आगे की शूट करते हैं, गेम्स ऑन करते हैं। अच्छा जी, एक्सपोर्ट सेंटर के पास पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पर जो रश है ना मैं आपको दिखाता हूँ, रश चेक करें रश कैसा है, सारा रश 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 वावा, सारा इस भाई की वजह से वावा। इसको मैंने बोला भी था जल्दी आना, वक्त की पाबंदी करना, लेकिन ये जो है ना इसकी वजह से, ये इस मेरे ख्याल से ही गेट है, ये वाला गेट है, इसी गेट से जाएंगे। है क्या होता है, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एक बात याद रखें, पाबंदी नहीं करोगे ना तो फिर यही सारे हंस रहा है तू, तेरी वजह से लेट हो गए हम लोग यार। अभी जो गाड़ी ढूंढने आए वो गाड़ी निकल गई, वो फिर नहीं मिलेगी तो हमारे लिए रुकी, पता लगे वो गाड़ी कोई और लेके निकल गया वो फिर। हाँ जी, तो हम पहुंच गए अपने पार्क व्हील्स के कार मेला पर, और भाई सबसे अच्छी बात पता क्या हुई है हमें, जो है सबसे अच्छी बात ये हुई है हमें पार्किंग मिल गई है सेफ जगह पे, ठीक है ना, हमारी गाड़ी जैसे कि खड़ी हो गई है सेफ जगह पे, पार्किंग मिल गई है और ये देखें सारा कार मेला का सीन ऑन है। रश चेक कर रहे हैं दोस्तों, रश चेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है भैया, बहुत ज़्यादा रश है, और हम जो गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही। आ जाओ आगे, आ जाओ, देखते हैं कहीं ना कहीं तो नज़र शायद आ ही जाए। हम देख रहे हैं कौन सी गाड़ी देख रहे हैं भाई, नहीं नहीं वो 2023 वाली, 24 वाली, 24 वाली, 2023-24 वाली सिविक ढूंढ रहे हैं, अगर मिल गई तो ले लेंगे। वैसे मजाक से हट गए, ढूंढ तो सिविक ही रहे लेकिन अगर मिल गई तो ले लेंगे यार। आई कोरियन हमारी सिविक नजर आ गई हमें, देखें ये री, अगर ऑटोमेटिक हुई तो ये देखते हैं, पहली गाड़ी नजर आई है, चेक करते हैं। हाँ ऑटो है, प्राइस चेक कर लें आप, प्राइस को भाई, प्राइस तो वाकई सिविक वाली है इसकी,
10 लाख रुपए प्राइस तो देखे, इसलिए मैंने सिविक बोला था, इसी वजह सिविक बोला था क्योंकि इसके पैसे भी सिविक वाले। चलो चलो नहीं है भाई, बंद करो बोलने के भी पैसे लग जाए, मिल जाएंगे। आगे जाओ आगे जाओ। कहाँ चले? इधर आओ यार, इधर आओ भाई, छोड़ देख, ये सिविक वाले जो पैसे मांग रहा है ये ईगल। ओ भाई नई वाली सिविक भी मिल जाएगी, बैंक लेके देगी बोलेगी यार अल्लाह को हमें तो, हम लेके देते हैं आपको। ये देखो एल्सवेन स्विफ्ट नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है जो हमें चाहिए। हमें एक चाहिए नई वाली प्राडो भी चाहिए, एक नई वाली प्राडो, नई वाली प्राडो भी ढूंढते हैं। ये गाड़ी जो है ना तो बहुत मजे की गाड़ी है, ये है प्रोटोन सागा। बंदे ने स्टिकर भी नहीं उठा रहे हुए, लेकिन मैं समझता हूँ सिडान गाड़ियों में सबसे अच्छी गाड़ी है, छोटी गाड़ियों में अच्छी। यार बात कुछ ऐसी है, गाड़ियों के जो पैसे है ना वो बहुत ज़्यादा है भाई, यकीन करो पसीने निकल गए यार। गाड़ी ढूंढते ढूंढते गाड़ी नहीं मिल रही हमें जो चाहिए यार, क्यों नहीं मिल रही शाहरुख भाई? यार बहुत रेट है भाई, पर से आज मौसम थोड़ा बहुत बेहतर है, धूप नहीं है, लेकिन ये है कि जो है ना गर्मी बहुत है, थक गए यार। चलो ये हॉल में चलते हैं, देखते हैं हॉल में अगर कुछ ना कुछ नज़र आ जाए। वैसे हॉल में हमें यूज़ में गाड़ियाँ तो मुश्किल मिले, लेकिन आप लोग के लिए कुछ कंटेंट लेने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कंटेंट मिल गया तो कोई कंटेंट ढूंढते हैं भाई, कंटेंट के लिए आए हम तो, गाड़ी के लिए भी आए लेकिन कंटेंट के लिए भी आए। देखते बस सिनेमैटिक मोड में वीडियो शूट कर रहा हूँ, बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। गले भाई मिल गए हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं आप लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया, आप लोग कराची आए और हम लोगों के लिए इवेंट किया, बड़ा बहुत शुक्रिया। बड़ा इंतजार कर रहे थे जो है पार्टिसिपेट किया इतनी बड़ी तादाद में, और देखें पूरी कराची का जो है और मौसम भी इतना फिट कर दिया हमारे। मौसम तो वाकई आज आप लोगों की वजह से मौसम अच्छा है, बाकी गर्मी बहुत थी। देखिए मौसम को मौसम बना देता है बाकी, ये तो गर्मी लेकिन बहुत ही काफी जरूरत है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू दिल्ली भाई। गाड़ी को लेके कुछ काम आ रहा है ये सही। नौ है क्या मांग रहे? 45 रेंज से तो यार गाड़ियां, वैसे गाड़ियां अब आम आदमी के लिए तो मुश्किल है लेना, मेरी नज़र में बहुत मुश्किल है। बिकॉज रेट्स ऐसे हुए हैं कि बस बंदा बोले कि यार कौन सी गाड़ी ले। मतलब ऑटोमेटिक में अगर कोई चाहता है कि यार कोई हमें जो है ना कोई अच्छी गाड़ी चाहिए ऑटोमेटिक में, लेकिन उसके लिए वो चलाना लेना बड़ा मुश्किल है। चला तो वो चलो लेगा, सॉरी लेना बड़ा मुश्किल है बिकॉज रेट बड़े हाई। भाई बहुत हैवी रेट्स हैं, यकीन करो मैं समझता हूँ गाड़ी लेना अब मुश्किल हो गया, नामुमकिन वाली बात हो गई है। बिकॉज यार आल्टो जैसी के प्राइस जो हो गए हैं ना वो 22 लाख 25 लाख, आल्टो जैसी गाड़ी 22 लाख 25 लाख की बिक रही है। जाने दो उनको, पहले जाने दो भाई, तो कंटिन्यू करते हैं। गाड़ियां भाई बहुत महंगी है, पैसे जो हैं वो हम ढूंढने आए थे, आपको अभी सच बताते हैं, हम ढूंढने आए थे कोरे। बिकॉज जब कोरे छोटी गाड़ी है, हमने सोचा उसको लेंगे कहीं भी लेके निकल जाएंगे, सुकून से घुमा करेंगे उस पर, क्योंकि आपको पता है रेवॉन जो है वो बादशाही गाड़ी है, उसको हर वक्त हमेशा लेके हम घूम नहीं सकते। लेकिन खैर कोरे हमें 3-4 नजर आई, लेकिन उसके रेट्स 10 लाख 12 लाख, वर्तित नहीं है। बात ये गाड़ियां बहुत है लेकिन वर्तित नहीं है, कीमतों में बहुत आगे चली गई हैं गाड़ियां। तो मैं समझता हूँ
कि जिसके पास जो गाड़ी है वो अपने पास ही रखे सेल आउट करने के बजाय। सेल आउट करना हल नहीं है, अपने पास ही रखे गाड़ी तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब रश चेक करें, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों में कमी नहीं है, गाड़ियाँ बहुत हैं और हद से ज़्यादा गाड़ियाँ। लेकिन ये बात है ना कि रेट जो है वो हमारे मतलब के नहीं है, और रेट जो है हमारे मतलब के नहीं है। लेकिन ये कि इवेंट अच्छा है, पार्क व्हील्स ने अरेंज किया, हम तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कोई ऐसा एक इवेंट हो से पार्क व्हील अरेंज करें और हम आए और थोड़ा सा देखें इस इवेंट को। जिल्ला भाई से भी मुलाकात हो गई हमारी, दूसरे का क्या नाम था यार भाई का, फरहान भाई, फरहान भाई से भी मुलाकात हो गई, वो वीडियोस में तो उनको देखते थे, आज वहाँ रियलिटी में मिल भी लिए। तो खैर बहुत अच्छा इवेंट था, लेकिन वर्तित नहीं है प्राइस, गाड़ियों की प्राइस वर्तित नहीं। मजे की बात है, आपके भाई ने भी गाड़ी लगाई हुई थी सेल आउट के लिए, ये रही बात कर रहा हूँ, आपके भाई की गाड़ी नहीं है अभी, वो गाड़ी बेचनी थोड़ी है अभी, उसको तो हमें मॉडिफिकेशन करनी है, बहुत कुछ करना है उस पर। अगर उसको बेच देंगे तो फिर आप लोगों के लिए कंटेंट कहाँ से लाएंगे, उसको तो भी बेचना नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, उसमें रिम्स डालने हैं, उसमें स्पॉइलर्स डालने हैं, उसका साउंड भी मॉडिफिकेशन करनी है, बहुत बहुत कुछ काम है। आगे आगे आपको मैं दिखाऊँगा सारे। आए है ये गाड़ी चेक करें। वैसे मेरा वो मोटो ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो ना तो उसमें मैंने बताया था कि ये गाड़ी जो है ना बाप गाड़ी है, मतलब ऐसी गाड़ी है कि बस एक मैंने वो वाली गाड़ी देखी थी अपना क्या कहते हैं उसको क्राउन, मैंने क्राउन देखी थी, क्राउन गाड़ी देखी थी और मैंने बोला था उसको उस ब्लॉग में मैंने कहा था क्राउन है और मार्क एक्स है, ये दो गाड़ियां ऐसी है कि बंदा कहता है कि बस रोड में लेके निकले और बंदा कहता है कि बस लेके चलो उसको कहीं भी लेके चलो और मजा देती है वो गाड़ियां। खैर मेरे ख्याल से तो इवेंट खत्म, मतलब आखिरी तक आ गए हम लोग, लेकिन हमें अपनी पसंद की गाड़ी नहीं मिली। खैर यार एक ही कोड़ी अभी तक तो नजर आई ना, बात यह है कि दुनिया तो देखेगी, दुनिया को देखने दो, आपको करना है अपना काम, कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर के यार मैं व्लॉगिंग करना है। हाँ जी, तो ये पीछे भाई मिले थे, ये कह रहे थे कि यार हमें व्लॉगिंग करनी है लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है वो होता है, हमने बोला भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, आपके भाई के अंदर भी इतना है नहीं लेकिन कोशिश जारी है, कुछ अच्छे अपने अंदर कोशिश ला के बंदा कुछ कर ले, अच्छे से थोड़ा शूट कर ले। लेकिन हमने हम पूरी मार्केट घूम ली है भैया, आगे चल पूरी मार्केट घूम ली है लेकिन यार हमें अपने मतलब की कोई गाड़ी नहीं मिली। रेट्स मैंने जैसे कि आपको बताया रेट्स बहुत ज़्यादा हाई, उफ तौबा हो गई, मैंने तो कान पकड़ लिए भाई, कोरे वोरे नहीं देखनी भाई, यही रिबॉन को चलाते हैं, यही चलाएंगे, एसी की मॉडिफिकेशन करेंगे, कोई हमें नहीं दूसरी गाड़ी चाहिए। तो खैर अभी नेक्स्ट व्लॉग भी हमें बनाना है, क्या कहते हैं मैच का, क्रिकेट मैच का वो भी बनाना है। तो अब ये ब्लॉग को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, और लेकिन बहुत मज़ा आया, कुछ अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी देखी, काफ़ी मज़ा आ गया। और बाकी यहाँ पर इस ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं, तो अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर और ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा। ये तीन चीज़ें ही करने को होती है, बहुत छोटी छोटी मासूम सी चीज़ें कर लीजिएगा। बाकी इस ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।